गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, वो हमने पीएचडी स्टार्ट की थी। जो लास्ट वीडियो थी, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि पीएचडी को कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसके ऊपर वर्क कैसे करते हैं। तो लास्ट वीडियो जो थी, वो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड थी। ठीक है, कि हमने उसमें डिस्कस किया था कि इंस्टॉलेशन के अंदर हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। हमने डिस्कस किया था लैम्प सर्वर आपने डाउनलोड करना है, और सेकेंड थिंग जो आपको मैंने बताया था, एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, दैट इज सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। तो ये गाइस दो चीजें थी जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की थी, क्योंकि लास्ट वीडियो बहुत शॉर्ट सी वीडियो है, तो इसलिए क्योंकि उसके अंदर हमने जस्ट इंस्टॉलेशन को डिस्कस किया कि आपने इंस्टॉल क्या करना है। ये दो चीजें आपको इंस्टॉल करनी है, क्योंकि जो अभी हम आगे काम करेंगे वो वेब के ऊपर करेंगे। पहले पीएचपी को टेस्ट देंगे, पीएचपी को स्टार्ट करेंगे। जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम उसका वेब के साथ लिंक को भी चेक करेंगे। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो गाइस सबसे पहले इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कि पीएचपी कैसे वर्क करती है। ठीक है, पीएचपी को कैसे लोकल होस्ट पे दिखाया जाता है। ठीक है, कैसे उसके ऊपर कोड को रीड एंड राइट किया जाता है। तो ये गाइस, आपने लास्ट वीडियो से रिलेटेड था ये वाला जो बॉक्स, इसको मैंने हाईलाइट किया है। इसमें आपको इंस्टॉलेशन चाहिए, जैम सर्वर चाहिए, ठीक है, और सब लैब टेक्सचर चाहिए। जब गाइस आपने ये दो चीजें कर ली, तो अभी हम जो मूव करते हैं वो हम मूव करते हैं पीएचपी की तरफ। ठीक है, अगर गाइस मैं आपको स्क्रीन दिखा सकूँ, तो ये गाइस ये इंटरफेस था जो मैंने आपको कहा था कि आपने जब डाउनलोड करेंगे जैम सर्वर को, तो इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। तो ये जब आपको इंटरफेस नजर आ गया, अब गाइस आपने क्या करना है, जब आपने इसको डाउनलोड कर लिया जैम का, तो ये आपको ये चीज नजर आएगी। ठीक है, ये चीज, ये जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज आपको नजर आएगी। ठीक है, तो इसके अंदर गाइस आपने क्या करना है, आपने सिंपल इधर से दो चीजों को स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है अपाचे सर्वर को। ठीक है, ये आपका दरअसल लिंक बनाएगा, ठीक है, वेब के साथ। अपाचे सर्वर को स्टार्ट कर देना है, और सेकेंड नंबर पर MySQL को स्टार्ट कर देना है। और गाइस ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि आपने ये जो काम है, ये आपने अपनी सी ड्राइव के अंदर करना है, या उस ड्राइव के अंदर करना है जिसके अंदर आपकी विंडो है, ताकि इसकी बाज़ पास आईपी से क्लैश आ जाता है। ठीक है, आईपी फॉर एग्जांपल आपने स्काइप भरा हुआ है अपने पीसी या लैपटॉप के ऊपर या ओटीएस, तो इसकी आईपी का इश्यू आ जाता है, आईपी के साथ ये क्लैश करता है। समटाइम ये जो माई एसक्यूएल होता है ये नहीं चलता, यहाँ पे वो आपको पोर्ट ब्लॉक कर देता है, या पोर्ट को यहाँ पे वो मिसिंग कह रहता है, ये चलता है। अभी देखिए ये रन कर रहे हैं ना, तो अभी देखिए दोनों ग्रीन है, लेकिन जब इनमें से एक भी रन नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा, ये यहाँ पे स्टार्ट आ जाएगा। अभी तो ये स्टॉप स्टॉप है ना, स्टॉप का मतलब ये है कि अब ये चले हुए, जब आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये गाइस आपका जैम सर्वर था। ठीक है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। अभी गाइस जो हम मूव करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि आप जब डाउनलोड करेंगे तो आप जब जैम सर्वर को देखेंगे, तो मैं आपको उसकी तरफ ले जाता हूँ। ये गाइस जिस तरह गाइस आपने, हो सकता है अपनी सी ड्राइव के अंदर किया हो, क्योंकि मैंने तो डी अपने डी ड्राइव के अंदर किया। आप सी ड्राइव के अंदर करें ताकि आपके आईपी से फ्लैश ना आए, क्योंकि मेरे ऐसा कंप्यूटर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके साथ फ्लैश आ सके। तो फ्लैश से अवॉइड करने के लिए आपसे प्रेफरेबल है कि आप सी ड्राइव के अंदर रखें। तो जब आप गाइस इसको इंस्टॉल कर लेंगे, तो अब आपने क्या करना है, जब आप इस रैम खोलेंगे, देखिए ये फोल्डर आपको नजर आ रहा है, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ठीक है, ये देखेंगे आपको जैम्प ये नजर आ रहा है, ये सेकंड लाइन के ऊपर जैम्प का फोल्डर है। तो इसको गाइस आप कैसे वर्क कैसे करना है, इसको इसको जस्ट अगर आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे जैम्प को, तो ये देखेंगे ये खुल के सब कुछ आ गया। ठीक है, इसमें गाइस आपको मुख्तलिफ फाइल नजर आ सकती है। ठीक है, अपाचे की, ठीक है, फाइल एचपी डॉक्स इमेज इंस्टॉल, इसके अंदर जो हम आगे वेब पर काम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर डाटा बेसिस भी होते हैं जो आप बनाते हैं। ठीक है, वो सारे होंगे। तो अभी जो हमारा गाइस रिलेटेड है, क्योंकि हम एक्चुअल में कोड कर रहे हैं, तो हमें हमारा बाकी चीज़ों से कोई ऐसे लिंक नहीं है, हमने जस्ट इस सारे के अंदर हमने एच टी डॉक्स का फोल्डर ढूंढना है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो भी फाइल होगी, आपका फोल्डर होगा, वो एच टी डॉक्स के अंदर ही बनेगा। तो गाइस ये देखिए, अगर मेरे पास ये एच टी डॉक्स का फोल्डर है, अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास एच टी डॉक्स है। ठीक है, एच टी डॉक्स के अंदर आपकी फाइल और फोल्डर्स होते हैं, जिनके अंदर आप अपनी फाइल को सेव करते हैं पी एच पी की। जिस तरह गाइस आपको मुख्तलिफ फोल्डर नजर आ सकते हैं, कोडिंग, क्रड, डैशबोर्ड, एक्सपेंस मैनेजर, ये सारे जो है मेरे प्रोजेक्ट जिन पर मैंने काम किया हुआ है। अभी गाइस चूंकि हम बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले इधर क्या करना है, आपने एक न्यू फोल्डर बना लेना है। ठीक है,
आप इधर न्यू फोल्डर बना लें, ठीक है? न्यू फोल्डर आप लेट से, क्योंकि हम पीएचपी को डिस्कस कर रहे हैं तो हम पीएचपी के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं। पीएचपी का जब आपने गाइस फोल्डर बना लिया, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने सिंपल इसको कर देना है क्लोज, ठीक है? इसको आपने कर देना है क्लोज। अभी मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूँ, एक मिनट दिखेगा। जब आपने गाइस इसको ये कर दिया, जब आपने उसको वो कर दिया, फोल्डर बना दिया, अब आपने जो आपको मैंने सेकंड थिंग बताई थी जो था आपका सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, जिसको मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको नजर आ सके, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में आपको ये गाइस आपका था सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही हो तो ये था आपका सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, ठीक है? ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर गाइस आपका कैसे वर्क करता है, देखिए ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर जब आप ओपन करेंगे ना, आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने सबसे पहले देखिए अगर आप लेफ्ट साइड की बार को चेक करें तो इधर फाइल, एडिट, फाइंड, व्यू, गो टू सब ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अभी हम न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले फाइल को क्लिक करना है। फाइल के अंदर जाके आपको इस थर्ड वाले ऑप्शन पे जाना है, ये वाला ओपन फोल्डर, यहाँ से आप डायरेक्ट फाइल को भी ओपन कर सकते हैं, फिर उसको आप जो चाहें फोल्डर अगर आपने बनाया हो तो उसके अंदर सेव कर लें। क्योंकि ये देखें एच टी डॉक्स के अंदर फोल्डर बनाने का मकसद क्या होता है, क्योंकि जब आप एक्सेस करते हैं ना, जब आप गूगल क्रोम के ऊपर जाते हैं, उसका एड्रेस देते हैं, तो वो क्या करता है, वो जो आपके एच टी डॉक्स के अंदर होता है ना, उस फोल्डर को जब वो एक्सेस करता है तो उसको फाइल मिलती है, ठीक है? अगर आप फाइल किसी फोल्डर के अंदर नहीं बनाएंगे तो वो उठाएगा नहीं, वो एरर देगा, ठीक है? तब भी चूंकि हमने फोल्डर बनाया हुआ है तो हम उस ओपन फोल्डर के ऊपर जाते हैं, ठीक है गाइस? ओपन फोल्डर के ऊपर गए, अब चूंकि मैं अभी जाता हूँ अपनी ड्राइव के ऊपर जिधर मैंने ये अपना जैम्प सर्वर को डाउनलोड किया था, क्योंकि मेरा डी ड्राइव है तो मैं इसके अंदर जाता हूँ गाइस। ये मेरे पास जैम्प है, ठीक है? इसके अंदर मैंने एच टी डॉक्स को फाइंड करना है, डेट इज एच टी डॉक्स। और गाइस जो हमने फोल्डर बनाया है वो ये है पी एच पी का, तो आपने जस्ट एक क्लिक करना है और सेलेक्ट फोल्डर कर देना है। ये जब आप करेंगे गाइस, अभी देखिए आपके पास फोल्डर चुके खुल चुके हैं, ठीक है? तो फोल्डर आपके पास आ गया गाइस। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर कोड राइट करना है। लेट्स वेरी सिंपल कोड हम स्टार्ट करते हैं पी एच पी का, कि हमने किसी चीज को डिस्प्ले कराना है। तो पी एच पी का गाइस सेंटेक्स क्या होता है, ये होता है पी एच पी का सेंटेक्स, ठीक है? पी एच पी का सेंटेक्स ऐसे होता है, ठीक है? आपने जस्ट इस साइन से और ये क्वेश्चन मार्क से पी एच पी को स्टार्ट करना होता है, और क्वेश्चन मार्क और साइन के ऊपर आपने एंड करना है। इसके अंदर आपने कोई भी मैसेज को डिस्प्ले कराना हो तो आप जस्ट इको टाइप करते हैं, ठीक है? इको के बाद आपने इको के बाद डबल कोट को यूज करना होता है, और डबल कोट के अंदर आप फॉर एग्जाम्पल मैं मैसेज डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ वेलकम टू पी एच पी, ये जस्ट मैंने एक मैसेज आपको डिस्प्ले करवाया है, ठीक है? अभी गाइस ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने फाइल को सेव नहीं किया, तो सबसे पहले हमने इस फाइल को सेव कर लेना है। इस फाइल का नाम लेट से मैं रख देता हूँ, आप कह सकते हैं इस फाइल का नाम आई जे के रख देते हैं, ठीक है? आई जे के डॉट पी एच पी, पी एच पी डॉट पी एच पी लाजमी आपने लिखना है गाइस, क्योंकि जब आप पी एच पी साथ नहीं लिखेंगे तो ये उसके एक्सटेंशन को सेव नहीं करेगा, ठीक है? तो ये लाजमी है कि आपने लिखना है। और वापस इधर जाएँ गाइस, इधर आपने जिसके अंदर बनाया था डी के अंदर, ठीक है, जैम के अंदर वापस जाएं, एच टी डॉक्स के अंदर जाएं, और जो आपका पी एच पी का फोल्डर है इसके अंदर आपने इस फाइल को अब सेव कर देना है। अब जो कि आपकी देखिए अभी आपको नजर आ रहा है कि ये जो कोड था ये अब ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब फाइल आपकी सेव हो चुकी है, ठीक है? अब गाइज आपने क्या करना है, देखिए अब आपको ये नजर भी आ रहा होगा, अगर मैं इधर आपको रेड कलर से हाईलाइट कर दूँ, ये देखिए गाइज ये आपका पी एच पी का फोल्डर था, ठीक है? पी एच पी का फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर आपने आई जे के की फाइल बनाई है डॉट पी एच पी, जब आपने देखे इसको फाइल की एक्सटेंशन दिया तो उसने सेव कर लिया फाइल को। अब गाइस बहुत इजी से आप इसकी रनिंग की तरफ जाते हैं कि इस कोड को रन कैसे करेंगे, तो उसके लिए गाइस हमें सिंपल सबसे पहले जाना पड़ेगा, ठीक है, हमें जाना पड़ेगा गूगल क्रोम के ऊपर, ठीक है? गूगल क्रोम के अंदर गाइस हम जाएंगे, ठीक है, मैं न्यू टैब को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? इसके अंदर गाइस आपने लिखना क्या है, लोकल होस्ट आपने सबसे पहले लिखना है, लोकल होस्ट, फिर आपने गाइस ये स्लैश लेनी है लोकल होस्ट, फिर इसके बाद आपने अपने फोल्डर का नाम देना है, ठीक है, जो आपने फोल्डर पीछे बनाया था, तो क्योंकि मैंने फोल्डर पी एच पी के नाम से बनाया तो पी एच पी मैंने दिया। इसके बाद गाइस इसके बाद एक और आपने स्लैश डालनी है, इसके बाद जो आपने फाइल बनाई थी उसका नाम देना है आई जे के डॉट पी एच पी, यही फाइल थी ना हमारे पास गाइस। अभी आप इसको रन करते हो, चेक करते हैं कि क्या ये वर्क करता है कि नहीं। तो ये गाइस देखें, जब मैंने इसको एंटर प्रेस किया तो ये मुझे मेरे पास उसने एक मैसेज को डिस्प्ले करवा दिया, डेट इज क्या उसने मेरे पास मैसेज डिस्प्ले कराया वेलकम टू पी एच पी। तो ये गाइस आपने सिंपल क्या किया, पी एच पी से आपने
आप कह सकते हैं कि आपने लोकल होस्ट से कनेक्शन दिया है। ठीक है, कनेक्शन कैसे देते हैं मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। ठीक है गाइस, बहुत इजी सा कनेक्शन है। आपने जस्ट क्या करना होता है गाइस, मैं अगर इधर से इस ऐप को क्लोज करूँ, ठीक है, इधर से इसको भी सॉरी, मैं क्रोम गूगल क्रोम को मैं एक बार दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, गूगल क्रोम गाइस अगर मैं दोबारा ओपन कर लूँ तो अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही हो तो गाइस स्क्रीन में मैं आपके साथ स्क्रीन दोबारा शेयर कर देता हूँ। देखिए मैंने गूगल क्रोम को दोबारा ओपन कर लिया। जब मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया, अब मैं जब इसके न्यू टैब के ऊपर जाऊंगा गाइस, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने अगेन टाइप करना है लोकल, LOCAL लोकल होस्ट, मैंने फिर ये गाइस स्लैश देनी है, फिर मैंने अपने फोल्डर का नाम देना, जो मैंने फोल्डर HT डॉक्स के अंदर बनाया था, जिस तरह मैंने फोल्डर बनाया PHP के नाम से, फोल्डर का नाम दिया, फिर आपने स्लैश देनी है। ठीक है, फिर आप अपनी फाइल का नाम देना, जैसे मेरी फाइल का नाम था IJK बाद .php, तो आपकी जो एक्सटेंशन है इससे उसको पता लगेगा कि जो आपकी फाइल है वो PHP की फाइल है। तो जब आप ये टाइप कर लेंगे, आपने सिंपल एंटर प्रेस करना है, और वो आपको जो आपने अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर राइट किया होगा उसकी तरफ आपको लेके चला जाएगा। तो ये गाइस सिंपल सा आज का आज की वीडियो थी। हम इसके अंदर मजीद नहीं जा रहे, आप उसको कॉल ये कनेक्शन तो बनाना सीखने के किस तरह हम फोल्डर फाइल के अंदर फोल्डर बनाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट के PHP को रेगुलरली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर गाइस सिंपल सी वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।